हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर सीरीज में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सहारन चीता के बारे में। इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये सहारन चीता है। ये सहारा रीजन में, साहेल रीजन में पाया जाता है। इसके बारे में हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड, पिछले दशक में पहली बार, मतलब पिछले 10 सालों में पहली बार सहारन चीता दिखा है। कहाँ पर? हॉगर माउंटेन्स नेशनल पार्क में, जो कि अल्जीरिया में है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। पिछले 10 सालों में पहली बार सहारन चीता दिखा है हॉगर माउंटेन्स नेशनल पार्क में, जो कि अल्जीरिया में है। अब हम सहारन चीता को और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। सहारन चीता का जूलॉजिकल नेम क्या है? एकिनोनिक्स जुबातस हेकी। इसका जूलॉजिकल नेम है एकिनोनिक्स जुबातस हेकी। इसे हम नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता, क्योंकि ये अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाया जाता है। ये चीता की सब स्पेशीज है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? सहारा और साहेल रीजन में अफ्रीका के। मैं आप लोगों को मैप पे डिस्कस करूंगी, मैप पे बताऊंगी सहारा एंड साहेल रीजन के बारे में। ये जोग्राफिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस रीजन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशीज है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशीज है और इसकी टोटल पॉपुलेशन 250 के अराउंड थी, 250 से भी कम थी 2008 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये हमारा सहारा डेजर्ट है। ये पूरा रीजन सहारा डेजर्ट है और ये सभी कंट्रीज सहारा डेजर्ट में लाए करती हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा साहेल रीजन है, जो डार्क ऑरेंज कलर से कंट्रीज मार्क कर रखी हैं। ये साहेल रीजन का पार्ट है। मॉरिटानिया, माली, नाइजर, छड़, सूडान, नाइजीरिया, ये सभी कंट्रीज पूरी पूरी आती हैं साहेल रीजन में। कुछ कंट्रीज का कुछ पार्ट आता है, देखिए जैसे कि सेनेगल, बुरकानिया फासो, इन कंट्रीज का कुछ पार्ट आता है साहेल रीजन में, सेनेगल, बुरकानिया फासो, और इधर हमारा इरिटेरा। ये देखिए, तो यहाँ से ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इसलिए मैंने आप लोगों को ये रीजन शो किए हैं। इनकी स्पेशलिटीज हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सहारन चीता कहाँ कहाँ पर पाया जाता था? इसकी जो पॉपुलेशन थी वो स्कैटर्ड थी, फ्रेगमेंटेड थी। वेस्टर्न और सेंट्रल सहारा में पाया जाता था, साहेल रीजन में पाया जाता था। जो मेन कंट्रीज हैं मैंने भी आप लोगों को मैप पर शो की, अल्जीरिया, छड, माली, बेनिन, बुर्कानिया फासो, नाइजर, ये मेन कंट्रीज हैं जहाँ पर ये पहले पाया जाता था। लेकिन अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गई है, वाइल्ड में ये खत्म हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था 2008 में 250 से भी कम सहारन चीता पाए जाते थे, इनकी पॉपुलेशन 250 से भी कम हो गई थी। क्योंकि सहारन चीता डेजर्ट में पाया जाता है, डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए एक स्पीशीज को अपने अंदर कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशन करने पड़ते हैं, जिससे कि वो डेजर्ट के क्लाइमेट में सरवाइव कर सके। तो अब हम जानते हैं सहारन चीता ने क्या क्या एडेप्टेशंस कर रखे हैं।
दिस सब स्पीशीज इज फाउंड इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स। ये चीता की सब स्पीशीज हॉट और ड्राई रीजन में मिलती है। सहारन डेजर्ट, साहेल रीजन, जो कि हॉट एंड ड्राई रीजन्स हैं। तो यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सहारन चीता ने कुछ बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कर रखे हैं, जिससे कि वो यहाँ के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। डेजर्ट में जो प्लांट हैं वो सरवाइव करने के लिए अपने अंदर बहुत सारे एडेप्टेशन करते हैं। जैसे कि कैक्टस प्लांट है, उसकी जो लीव्स हैं वो थोन्स में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। उसकी जो स्टेम है, तना है, वो मोटा होता है, वैक्सी होता है, जिससे कि एवेपरेशन ना हो सके। रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं वाटर की सर्च में। इस तरह के एडेप्टेशन प्लांट करते हैं। अब हम देखते हैं सहारन चीता ने क्या क्या एडेप्टेशन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्रीडोमिनेंटली नॉकटर्नल, मतलब ये अपने शिकार रात को करते हैं, अंधेरे में अच्छे से देख सकते हैं। और ये पानी के बिना, डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर, डायरेक्टली पानी पिए बिना बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जो इनका शिकार होता है उसके खून से, उसके ब्लड से ये वाटर ऑब्टेन करते हैं। ये सभी एडेप्टेशन इन्होंने किए होते हैं। पानी के बिना ये एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये नॉकटर्नल होते हैं, रात में देख सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने आप लोगों को इमेज में शो की है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी पसंद आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे आप लोगों के लाइक का वेट रहता है। और आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सहारन चीता हैं वो दूसरे अफ्रीकन चीता से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। इनका जो कोट होता है वो बहुत शॉर्टर होता है, शॉर्टर कोट। इनका जो कलर है वो लगभग वाइट होता है, मैंने इमेज में दिखाया, येलो वाइटिश की तरफ है। फेस पर इनके जो स्पॉट्स हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं। फेस पर स्पॉट्स या तो बहुत ही कम होते हैं या नहीं होते हैं। और जो टीयर स्ट्रिप्स हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं। टीयर स्ट्रिप्स होती हैं चीतास के, वो इनके नहीं होती हैं। सहारन चीता के टीयर स्ट्रिप नहीं होती हैं। अभी का स्टेटस ये है कि सिर्फ 37 इंडिविजुअल्स बचे हैं, सिर्फ 37 सहारन चीता बचे हैं जो कि जिंदा हैं वाइल्ड में। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्यान से आप लोग शॉर्ट में इसके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आप लोग से पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अपने कॉमेंट्स करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी लोगों के नाम याद हो रहे हैं, मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।